एटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रिजमोहन की खास रिपोर्ट। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। बुलंदशहर के थाना अगौता के गांव अगौता में दबंगों ने ग्राम प्रधान को चार लोगों ने जमकर पिटा। चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस चारों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। प्रधान जी, कल आपके साथ जो मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या है घटना पूरी? मैं सुखपाल सिंह, वर्तमान ग्राम प्रधान अगौता। ऐसा है, मैंने अभी दो साल पहले एक पंचपट्टी का निर्माण कराया था शमशान घाट में। तो 16 तारीख की पुण्यतिथि थी हमारे पिताजी की। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हमने पत्थर लगवाया, उसका उद्घाटन कराया। उसमें जाटव नाम से पत्थर लगाया हुआ था, जिससे ठाकुर समुदाय में इस बात को लेकर रोष हुआ और उन्होंने 18 तारीख को पत्थर तोड़ दिया। इसी बात को लेकर पूरे ठाकुर समुदाय के लोग हमसे रंजिश मानते हैं और आए दिन झगड़ा करते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ भी झगड़ा करते हैं। और कल शाम की घटना है, 7:30 बजे करीब मुझे टेलीफोन पर बुलाया। चार लोग थे, दारू पी रखी थी, और ये चारों लोगों को जो सदर विधायक है उसका संरक्षण मिलना प्राप्त है, उसी के सह पे हमारे साथ जुर्म जास्ती की जा रही है और उनको पूरा उसका संरक्षण है। और जो भी हमारी कार्रवाई है उस कार्रवाई को नहीं होने देते। विधायक पूरा उसमें उनका सहयोग करते हैं हर तरीके से, और वो कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भाजपा के वो हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे सदर विधायक हमारे साथ है, और या हमने हमारे साथ जो मारपीट की है उसमें हमने एप्लीकेशन दे दिए। हमारी उसमें सुनवाई सही तरीके से होनी चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, अन्यथा विधायक के खिलाफ योगी जी के यहाँ जाकर हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपने किन किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है? ये हैं, एक तो कुलदीप व देवेंद्र सुनौ महेंद्र सिंह चौहान, और संजू सुनौ गिरीश चौहान, और सचिन सुनौ बबलू चौहान के खिलाफ मैंने इनके खिलाफ FIR दी गई है, जिसमें मुकदमा कायम होगा। लेकिन पकड़ धकड़ कुछ हो नहीं है, क्योंकि विधायक पूरा दबाव बनाए बैठे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहे। पुलिस की तरफ से क्या कार्यशैली है? पुलिस की तरफ से ये है कि अभी हमारी रिपोर्ट तो हो गई है, मुकदमा कायम की चिक दे दी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है पकड़ने के लिए।